हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेस्टिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेजर की मैच कंफर्म देखने मिलने वाली है और क्या रोमन रेंस जीतने वाले हैं डबल चैंपियनशिप। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेजर। क्या हमें इनकी मैच कन्फर्म देखने मिलने वाली है? प्लस क्या दोस्तों रोमन रेंस जीतने वाले हैं WWE चैंपियनशिप? प्लस उसके साथ होंगे वो यूनिवर्सल चैंपियन? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेस्टिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज आपके लिए काफी जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि यस्टरडे हमने देखा कि कैसे रोमन रेंस बाहर हो गए थे WWE से ड्यू टू COVID-19 एंड ब्रॉक लेजर ऐड हो गए थे WWE चैंपियनशिप मैच में और उन्होंने जीता WWE चैंपियनशिप बाय पिनिंग बिग ई। उस मैच में हमें बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेजर का आमना सामना भी देखने मिला। अब आपको जैसे पता है कि ब्रॉक लेजर ने कहा था कि वो एक फ्री एजेंट है, वो दोनों शो में शो अप कर सकते हैं, प्लस अब तो वो है WWE चैंपियन भी। तो सबको ये जानना होगा कि ब्रॉक लेजर का फ्यूचर क्या है, कौन से मैचेस लड़ेंगे ब्रॉक लेजर। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो सजेस्ट कर रही है कि ब्रॉक लेजर के नेक्स्ट 3 मैचेस कौन से रहेंगे, मतलब रॉयल रंबल, सुपर शोडाउन एंड रेसलमेनिया 38 के लिए ब्रॉक के कौन से मैचेस रहेंगे। तो आपको पता होगा कि ब्रॉक लेजर ने बिगी को पिन करके वो मैच जीता था, इसलिए जो नेक्स्ट पेपर व्यू है रॉयल रंबल, उस पेपर व्यू के लिए ब्रॉक लेजर वर्सेस बिगी की मैच WWE प्लान कर रहे हैं फॉर WWE चैंपियनशिप। उसके बाद दोस्तों सुपर शोडाउन पेपर व्यू होने वाला है इन सऊदी अरेबिया। उस पेपर व्यू में हमें बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेजर की ड्रीम मैच फाइनली देखने मिलेगी फॉर WWE चैंपियनशिप, अगर ब्रॉक लेजर रिटेन करते हैं अपना चैंपियनशिप रॉयल रंबल में। तो आपने देखा ही होगा कि कैसे बॉबी लैशली ने 2 तगड़े स्पीयर एंड उनका सबमिशन दे दिया था ब्रॉक लेजर को, बट ब्रॉक लेजर ने अब तक कुछ भी किया नहीं है बॉबी लैशली को। और बॉबी लैशली ने अपने इंस्टाग्राम पर उनके स्पीयर एंड सबमिशन के पोस्ट भी डाले हैं। दैट मीन्स इनकी मैच हमें जरूर देखने मिलने वाली है वेरी सून, और ये होने वाली है एट सुपर शोडाउन, जिसके काफी चांसेस है दोस्तों। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट रेसलमेनिया 38 हमें मैच देखने मिलेगी ब्रॉक लेजनर वर्सेस रोमन रेंस। तो दोस्तों, ये था टाइम टेबल ब्रॉक के आने वाले मैचेस का। होपफुली हमें यही मैच देखने मिले एंड ब्रॉक लेजर ही सारे मैचेस में जीते। अब दोस्तों बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में कि क्या हमें रोमन रेंस ड्यूअल चैंपियन देखने मिलेंगे। दोस्तों, आपको मैं अपडेट बता दूं कि कल के थिंग्स कैसे प्लान हुए थे। ब्रॉक के जरा भी प्लान्स नहीं थे कि वो इंक्लूड होंगे WWE चैंपियनशिप मैच में, और बुकिंग कुछ इस तरीके से होने वाली थी कि ब्रॉक वर्सेस रोमन की तो मैच होने वाली थी, बट जो WWE चैंपियनशिप की मैच थी वो जीतने वाले थे बिगी, बट रोमन रेंस कोविड पॉजिटिव हो गए और उसकी वजह से ब्रॉक को ऐड करना पड़ा इस WWE चैंपियनशिप मैच में, और ब्रॉक ने बिगी को पिन करके ही ये मैच जीता। अब दोस्तों, रेस्टिंग ऑब्जर्वर के ब्रायन एल्वारेस ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है कि वो इसके बारे में 100% नहीं है, बट डायरेक्शन वैसा ही ले रहे हैं WWE कि हमें रेसलमेनिया 38 में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हमें देखने मिल सकती है। दैट इज WWE चैंपियन ब्रॉक लेजनर वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। रोमन रेंस होंगे स्मैकडाउन के यूनिवर्सल चैंपियन एंड ब्रॉक होंगे रॉ के WWE चैंपियन, और ये मैच या तो एक यूनिफिकेशन मैच होगी या फिर जस्ट एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगी, जैसे ये लोग सर्वाइवर सीरीज में करते हैं। एल्वारेस ने आगे ये कहा कि उन्हें पता नहीं है कि WWE ने क्या प्लान किया था एट डे 1 पेपर व्यू फॉर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेजनर मैच, बट कुछ ऐसा ही प्लान किया होगा जिससे एक बड़ा एंगल सेट हो सके उनके रेसलमेनिया मैच के लिए। और बिगी जो है वो टाइटल हारने नहीं वाले थे एट डे 1 पेपर व्यू, बट रोमन रेंस के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से सारे प्लान्स चेंज हो गए। तो दोस्तों, ये था कहना ब्रायन एल्वारेस का। अब दोस्तों, रोमन रेंस जब कभी भी आते हैं वो अवेलेबल होंगे ही रेसलमेनिया के लिए, और हमें पॉसिबली ब्रॉक लेजनर रेसलमेनिया 38 तक WWE चैंपियन ही देखने मिलेंगे, एंड देन एट रेसलमेनिया 38 हमें ब्रॉक वर्सेस रोमन की वही मैच देखने मिलेगी जो ओरिजिनली होने वाली थी रेसलमेनिया में, बट इस बार स्टेक्स थोड़े से हाई होंगे। WWE चैंपियन ब्रॉक लेजनर वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बीच हमें मैच देखने मिलेगी, और यहाँ पर भी पॉल हेमन का काफ़ी बड़ा फैक्टर होगा। अब टाइटल यूनिफिकेशन होता है या फिर WWE एक नॉर्मल चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच कराते हैं सर्वाइवर सीरीज के जैसे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर टाइटल यूनिफिकेशन होता है तो रोमन रेंस का थोड़े से ज़्यादा चांसेस है
कि वो मैच जीते और बन जाए ड्यूअल चैंपियन अंटिल एंड अनलेस पॉल हेमन रोमन रेंज के ऊपर टर्न नहीं हो जाते तो। तो दोस्तों आने वाला टाइम काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा, तो आपसे भी स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए WWE के आने वाले स्टोरी लाइन्स के लिए एंड इवन फॉर रेसलिंग बादशाह वीडियोस। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट क्या आप हैप्पी है ये सुनकर कि ब्रॉक लेसनर के आने वाले मैचेस कौन से होंगे, सेकंड आप इन फ्यूचर मैचेस से किसे विनर पिक करेंगे, एंड थर्ड क्या आप देखना चाहते हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन की मैच एट रेसलमेनिया, एंड आप किसे देखना चाहते हैं ड्यूअल चैंपियन बनते हुए। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।